मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। अब अभिषेक और गायत्री का सब कुछ वहीं पे है, वो वहीं रहेंगे। नहीं नहीं उर्मिला बहन, नहीं सॉरी सॉरी, वो मेरा नाम है, मैं भूल गई थी। तो ये अपना रानू नाम सूझे अपने शमिला, नहीं सुशीला, नहीं 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 बोलना मत, मुझे अभी याद आ जाएगा। अपना रमीला, रसीला, रसीला बहन, सब बराबर है आपकी बात, लेकिन हम हमारी बेटी इतना दूर नहीं भेजेंगे। हाँ उर्मिला बिल्कुल सही कह रही है, हमारी बेटी महेंद्र भाऊ, अभी वो आपकी बेटी नहीं रही है, और इनका बेटा और बहू कहाँ रहेंगे इसका निर्णय आप तो नहीं ना ले सकते, है कि नहीं, बोलो। हाँ अरे लेकिन, अरे दिक्कत क्या है महेंद्र भाऊ, हम लोग भी वहाँ आते जाते रहेंगे, है ना रसीला मम्मी। न्यूजीलैंड ठंडी बहुत। अरे रसीला, वो मैंने तुम्हें हॉफर दिया था ना, वो अभी भी चालू है। हाँ वो हॉफर, इसको भी साथ में लेके जाना है तो लेके जाओ। मैं क्या बोलती हूँ बेन, आप अभिषेक के बदले अन्ना भाई का ये बेटा ले जाइए ना। लेकिन ये मेरा बेटा है ही नहीं। वैसे तो अभिषेक भी अन्ना भाई का बेटा नहीं है, फिर भी अन्ना भाई ने अभिषेक को अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया है। देखिए बेन बेन, मैं क्या बोलती हूँ, एहसान चुकाने का बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। जैसे अन्ना भाई ने आपके बेटे को संभाला, हाँ अपने पास रखा, वैसे आप तो क्या, आप दोनों का सब ऐसे फिटनेस हो जाएगा। हाँ और चाहिए तो और एक बेटा ले जाइए, प्रभाकर को ले जाइए। हाँ, नहीं नहीं एक नहीं, एक नहीं, दो दो दो, अमोल भी ले जाइए, एक के ऊपर दो बेटे फ्री। हाँ अगर ये मजाक है तो मजाक तक ठीक है उर्मिला बेन, लेकिन अगर ये मजाक बढ़ गया ना तो आप लोग मजाक बन जाएंगे। हाँ मुझे बस मेरा बेटा अभिषेक और बहू गायत्री चाहिए, वो भी न्यूजीलैंड में। ऐसे कैसे न्यूजीलैंड में, ये तो दादागिरी है। बस महेंद्र भाव है, दादागिरी है तो, लेकिन अपने परिवार के लिए कर रही है ना दादागिरी। अरे लेकिन अन्ना भाई, बस बस समाप्त। वैसे कि उस रसीला बेन को पटाकर मुंबई से यहाँ अपने पास पुणे में शिफ्ट करवाने की सोच रहे थे, लेकिन रसीला बेन ने तो न्यूजीलैंड का हार्ट अटैक दे दिया हमें। कैसे रहेंगे कैसे बच्चों के बिना महेंद्र। मम्मी पापा, आप दोनों को कुछ बताना है। अब बताने को बचा क्या है बेटा, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया ना। मुन्ना दादा, इन्हें पता चल गया है कि आपने बिस्किट को बेच दिया है। मैं साफ साफ कह देती हूँ महेंद्र, मैं ये बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। मम्मी कभी कभी हो जाता है ऐसा। है हो जाता है इतने क्या हो जाता है। हाँ ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि डंडा लेकर, नहीं डंडा नहीं महेंद्र, डंडा नहीं, बड़ा सा खंभा लेकर फैड़ी हो जाएगी। माँ बाप क्या इसलिए बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं महेंद्र, कि ऐसे ही कोई आए और किसी दिन उनको उठा के कहीं ले जाए। तू सही कह रही उर्मिली, इस बार मैं तेरे साथ हूँ, लिख ले तू टेक इट फ्रॉम मी। अरे सोचो तो सही, अपनी औलाद से दूर कोई बाप कैसे कैसे है। पापा आप प्लीज रोइए मत, गलती हो गई तो हो गई। गलती बेटा, गलती अनजाने में होती है, लेकिन ये तो पूरी प्लानिंग करके सोच समझ कर रची हुई साजिश के तहत किया गया है। हाँ मम्मी, लेकिन यकीन मानिए मेरा, ये करने के पीछे इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं था। हाय हाय, जोयो जोयो महेंद्र जोयो, ये अभी से तरफदारी कर रही है। नहीं नहीं, स्वार्थी तो हम लोग हैं ना, जो बचपन से लेकर आज तक। मम्मी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रही है तेरी मम्मी, तू समझ बेटा। आप दोनों समझिए मम्मी पापा, मींस के आप मम्मी और ये पापा। हाँ इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ प्रभाकर भैया के लिए किया है,
ये सारी बात में प्रभाकर, प्रभाकर कहाँ से आ गया? अरे वो रासलीला बहन, तेरी नई नवेली सास बनकर अचानक कहीं से पैदा हो गई और अब तुम दोनों को हमसे छीन कर न्यूजीलैंड, ठेठ न्यूजीलैंड ले जाना चाहती है और उसमें प्रभाकर भी है। अच्छा, तो आप उनकी बात कर रहे थे? हाँ, तुम लोग किसकी बात कर रहे थे? अभिषेक, तू यहाँ पे क्यों आया? घर में अभी भी दो चार लोग तेरे बिना जिंदगी जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट मत डाल तू। प्रभाकर डूस क्या? मैंने बोला था ना तुझे इसे यहाँ नहीं आने देने का करके? मैंने इसको बोला था यहाँ से जाने के लिए, तो उसने बोला कि गाना सुझेगा तो किसे सुनाओगे? मैंने चार गाने सुना है तब से। बिंडोक, प्रभाकर इस पार्टी पे है ना, इसकी भी फोटो लगा दे, इसका भी प्रवेश निषेध है अभी इस दुकान पे। अच्छा ओ भाऊ, ये पर्ची इन्होंने दी है ना, दे दो मुझे, वापस दे दो। प्रभाकर दूसरी पर्ची दे दे इनको। अच्छा सुनो, सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो, अभी है ना ये मेरा बेटा, मेरे बेटे जैसा है लेकिन। अन्ना, मैं आपके बेटे जैसा हो गया? प्रभाकर जैसा नहीं है ना तू। चलो अभी तू जा इधर से, चलो जाओ, चलो चलो। आई आई अन्ना, देखना क्या बोल रहे, मैं इनके बेटे जैसा। देख बड़ा, तेरे मुंह से आई सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ये संबोधन तू अपनी सगी माँ रसीला बहन को देना, मुझे नहीं। आई ये क्या कह रही है तू? मैं आई क्यों नहीं बोल सकता? जब भगवान कृष्ण को देवकी माँ के बारे में पता चला था, तब उन्होंने यशोदा को माँ कहना छोड़ दिया था क्या? आज भी पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की माँ के रूप में यशोदा को जानती है। बरोबर बोला तू, लेकिन द्वारका में तूने देखा नहीं क्या, भगवान कृष्ण के मंदिर के सामने देवकी माँ का मंदिर है, वो इसलिए ताकि दोनों माँ बेटे एक दूसरे की देखभाल कर सके। तुझे उसी परंपरा को मानना होगा, इतने सालों में यशोदा के हिस्से का प्यार तूने उसे दे दिया है, अभी तुझे देवकी के हिस्से का प्यार देना है उसे, अपनी रसीला माँ की देखभाल करनी है तुझे, समझा तू? यहाँ बाकरवाड़ी मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ बाकरवाड़ी नहीं मिलती, यहाँ एक महान पिता का प्यार भी मिलता है, जो अपनी ईमानदारी में सगे बेटे से ज्यादा दूसरे के बेटे को प्यार करता है। लेकिन अभी सबको अपने अपने हिस्से का प्यार मिलेगा। आजा भाई, आज मना किया था,
मना किया था उर्मिली की बिस्किट को अन्ना भाई के घर की आदत मत डलवा, लेकिन तू सुनती कहाँ है मेरी? तू भी लापरवाह है, तू लापरवाह। इतनी लापरवाही कोई बरतता है क्या? महेंद्र अभी है ना, ऐसे टाइम पे आपका टैटू चालू मत कर देना प्लीज। अरे कुछ पैतरेबाजी सोचिए, बेटा बिक गया और ये बेटी छोड़ के जाने वाली है। आए आए मारो बिस्किट। परमेश्वरा शक्ति दे रे बाबा, शक्ति दे। जोत्सना, अरे रहने दो जोत्सना गौरी, तुम भी तो थक गई हो ना, पूरा दिन रसोई घर में, द्वारका से आते ही काम पे लग गई थी। फिर भी आज तो सेवा मैं ही करूंगी, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, मालूम है सबको। पति तो पत्नी की दृष्टि में परमेश्वर होता ही है, लेकिन आप तो सच में परमेश्वर हैं। महादेव ने दुनिया को बचाने के लिए विष को अपने कंठ में उतारा था, ये पूरी सृष्टि को पता था, लेकिन आपने 25 साल तक कभी किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया, और अगर विधाता की मर्जी नहीं होती तो किसी को पता चलता भी नहीं कि आप दो दो औरतों की मुसीबतों का पहाड़ अपने सीने पे उठाए घूम रहे हैं। वो पहाड़ तो उतर गया है सीने से, और अभी खाली खाली लग रहा है। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, मैं है ना बुरा बनना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पा रहा हूं। जो बुरा है ही नहीं वो बन भी नहीं सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 25 साल तक आप मेरे हिस्से की तकलीफ अपने सीने में दबाए घूम रहे हैं, अब मैं आपकी तकलीफ बांटूंगी। एक बोलू क्या, ये पति है ना परमेश्वर होता भी तो नहीं है, तुम जैसी पत्नियां बना देती है उसे। आहो ठीक, मैं शांत हो जाता हूं। क्या 5 लाख? अब हो गई गलती केशव, आंखें बड़ी करके क्या होगा, पाटिल साहब ने बिस्किट को लौटाने से मना कर दिया है। आप चल के जरा कन्विंस करिए ना उनको कि बिस्किट को वापस कर दे। अरे बिस्किट बिस्किट छोड़ निर्विधि, 5 लाख गवा दिए प्रभाकर दादा ने, 5 लाख क्या बीती होगी बेचारे अन्ना पे। एक तो अभिषेक हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अभिषेक ना सही ना सही, मैं सारा कारोबार प्रभाकर के हाथ में सौंपूंगा, और प्रभाकर दादा ने 5 लाख गवा दिए। अरे 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 अरे, मैं अभी जाके दिलासा देता हूँ मेरे अन्ना को, कहाँ होना चाहिए अन्ना, कहाँ होना चाहिए। अरे रुकिए, अभी मत बताइए प्लीज। शायद तुम ठीक कह रही हो निर्मिति, मुझे कल से दुकान पे नहीं जाना चाहिए। ये मैंने कब कहा? मैं तो दुकान पे जा ही नहीं सकता ना निर्मिति, प्रभाकर दादा कोई दुकान संभालनी होगी, क्योंकि मैं रोज उनका कॉन्फिडेंस फोन पे बढ़ाता रहूंगा न्यूजीलैंड से। इसमें न्यूजीलैंड कहाँ से आया केशव? समझने की कोशिश करो निर्मिति, अन्ना और प्रभाकर दादा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मुझे दुकान का त्याग करना ही होगा। हो हो भले जाता है तो जाए, मेरा दुकान का हिस्सा खड्डे में जाने दे, इतना नहीं कर सकता मैं। 5 लाख का नुकसान हुआ है बेचारे अन्ना का, 5 लाख का, और इस नुकसान की भरपाई मैं 50 लाख का मनी ऑर्डर भेज के करूंगा न्यूजीलैंड से। केशव ये क्या केशव निर्मिति, क्या केशव? देखो निर्मिति, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा प्लीज। मैं रसीला मम्मी को बोल दूंगा कि मुझे वहां पे छोटी मोटी नौकरी के तौर पे अपना सारा बिजनेस हैंडल करने दे। मैं सैलरी भी आधी लूंगा, सिर्फ 3-4 लाख की सैलरी लूंगा बस। आने जाने के लिए मैं छोटी मोटी गाड़ी इस्तेमाल कर लूंगा, ड्राइवर भी नहीं रखूंगा, खुद ड्राइव करूंगा, 3-4 BHK के फ्लैट में कहीं कोने में पड़ा रहूंगा। रसीला मम्मी को मैं कन्विंस कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अभिषेक को कन्विंस करना पड़ेगा निर्मिति, तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि उनके साथ हमारा न्यूजीलैंड जाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और खास करके हमारे बेचारे अन्ना के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज निर्मिति, प्लीज प्लीज।
बेटा बिक गया, कुछ दिनों में बेटी भी चली जाएगी, हम तो एकदम अकेले रह जाएंगे। महेंद्र कैसे कटेगा, कैसे आपका बुढ़ापा? मतलब तू बूढ़ी होगी ही नहीं। हाय हाय महेंद्र, आपको किस एंगल से लगता है कि मैं बूढ़ी होऊंगी? उससे पहले मैं निकल नहीं लूंगी। लेकिन महेंद्र, मैं नहीं जाने दूंगी मेरी बेटी को रासलीला बहन के साथ। अरे उर्मिली, जो जाने वाली है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, उसमें मैं तेरे साथ हूँ, लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। अच्छा, अभी तो जो चला गया है अपना बिस्किट, उसके बारे में सोचें। उजला ने काट दिया, वो कहाँ रखा मैंने? आ उर्मिली, फोन लगा दो इसे। ले कीजिए बात, कीजिए। नहीं नहीं, आप बिंदास बात कीजिए, मैं आपके पीछे ही हूँ। यहाँ क्या मारपीट होने वाली है जो तू मेरे पीछे खड़ी है? सामने आ। हेलो, पाटिल साहब से बात हो सकती है क्या? जी नहीं, पाटिल साहब तो घर पर नहीं है, आप कौन? वही जिसके बेटे को आपने कैद करके रखा हुआ है। देखिए, बच्चों ने बचपना किया हाँ, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। अच्छा, आप बिस्किट की बात कर रहे हैं? जी, बिस्किट को तो महादेव पेट से एक बहन जी आई थी, वो लेके गई, सेम वैसे ही दूसरा कुत्ता लाकर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बेटा तो मिल गया। अरे गायत्री चैंपियन है अपनी, उसी ने कुछ जुगाड़ लगाया होगा, लिख ले। अन्ना, अन्ना भाई को जाके बता देते हैं कि बिस्किट मिल गया, बेचारे चिंता में एकदम सूख के ऐसे आधे हो गए होंगे। चल, तू मुझे पूरी लाइन क्यों नहीं बोलने देती है हा? और हो सकता है कि अन्ना भाई को किसी ने अभी तक बताया ना हो कि बिस्किट बिक गया है, तो वो सूख के आधे कैसे होंगे? हाँ बराबर। प्रभाकर डूस क्या, एक ही झटके में दुकान की इतनी सारी पूंजी गवा दी तूने, शर्म नहीं आती तुझे? है अन्ना भाई, आप इन पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये बेचारे तो निर्दोष हैं, है ना महेंद्र? हाँ, लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। अरे प्रभाकर से ऐसी गलती इसलिए हुई क्योंकि अभिषेक यहाँ नहीं था। हाँ, इसीलिए भविष्य में भी किसी से भी ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो, इसके लिए अभिषेक का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मींस क्या समझे ना आप? मम्मी, आप फिर से शुरू हो गई। बेटा तेरा भी यहाँ रहना बहुत जरूरी है, कितनी होशियार है तू। कितना मस्त तबला तोड़ दिमाग पाया है तूने मेरी तरह, है कि नहीं अन्ना भाई? हैं, बोलिए। हाँ, अरे इसमें बोलने की क्या जरूरत है उर्मिली, तूने देखा नहीं, बच्चों से गलती हुई और बिस्किट उनके हाथों बिक गया, तो कैसे 5 मिनट में गायत्री वापस लेकर आ गई? जबकि हमने कितनी कोशिश की, लेकिन उन्होंने वापस देने से इनकार कर दिया है ना। लेकिन मैं बिस्किट लाई ही नहीं हूँ। बिस्कुट तो आया ही नहीं है। मींस कि अब हमारा बिस्किट कोई और ले गया? सत्यानाश, आपका बिस्किट मेरे पास है उर्मिला बेन। बिस्किट, मारो चोकरू। अरे आ गया, हमारा बिस्कुट आ गया। आजा आजा, मेरे चकुले, आजा आजा मेरे बच्चे। अरे बिस्किट अभी क्यों कहाँ चला गया? बिस्किट आ गया। ए बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। ए थैंक यू बोल, थैंक यू बोल रशिला बेन को। महेंद्र भाई सॉरी, हो वो मैं आपके घर के पास से गुजर रही थी तो मैंने आपकी बातें सुन ली बिस्किट को लेके। मना किया था उर्मिली की बिस्किट को अन्ना भाई के घर की आदत मत डलवा। कुछ पैतरे माजी सोचिए, बेटा बिक गया और ये बेटी छोड़ के जाने वाली है। हाय हाय मारो बिस्किट। मैं जानती हूँ आप दोनों इसे बच्चे की तरह प्यार करते हैं, और अपने बच्चे से दूर होने का दुख क्या होता है वो मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। वाह 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 रसीला। उर्मिला बहन, महेंद्र भाऊ, सुना कुछ आपने? अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे अभिषेक और गायत्री न्यूजीलैंड ना जाए इसके लिए क्या क्या समझा रहे थे।
और अभी इनको देखो, आप लोगों की तकलीफ को महसूस करके आपका बिस्कुट वापस लेके आई। अभी अगर आपने अपना गुजराती दिमाग लगा के इनका बच्चा इनसे दूर करने का कोई भी पैतरा आजमाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप लोग? ये आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है उर्मिला बेन न्यूजीलैंड से है? देखो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और अगर मन में दूरियां ना होने तो स्थान की दूरियां कोई मायने नहीं रखती। शाबाश शाबाश रसीला, गुजराती होकर के भी कितना अच्छा अच्छा बोलती हो उर्मिला बहन, कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखो। रसीला 6 दिन के बाद अभिषेक गायत्री को लेने के लिए आ जाना। 6 दिन नहीं अन्ना भाई, 60 दिन दीजिए ना, ताकि हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा और जी लें। तो 600 दिन, 600 दिन में 600 दिन बोल डालिए ना प्लीज। नहीं 600 नहीं, 600, 6000, 6000, 6000 दिन फाइनल कर डालिए, 6000। क्या फाइनल? क्या 20 साल के बाद आएगी अपने बच्चे को वापस लेने के लिए, बात करती हो? रसीला 6 दिन के बाद अभिषेक को लेने तुम आ रही हो, है कि नहीं, बोलो। हाँ 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 हाँ। रानी रानी रे।